तो स्वागत आप सभी का। आज से शुरू करने जा रहे हम एक सीरीज, क्वेश्चन की सीरीज, जो कवर करेगी आपके DSSSV, TGT, PGT और स्टेट ASO असिस्टेंट सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और LT एग्जाम को, ठीक है, एंड लेक्चरर। इसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज 20 या 25 क्वेश्चन लेंगे और उसके सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। और 3 से 4 वीडियो में किसी एक पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस में पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या है, हमको क्या हमको पता कोई फंक्शन जिसका डायरेक्ट डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स है, तो नहीं डायरेक्ट पता रहता, तो उसके लिए रहता सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता, हमको फंक्शन इस तरीके से फ्रेम करके दे रखा होता, जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, यानी कि एक फंक्शन वहीं पर होगा जिसका डेरिवेटिव आपको वहीं पर मिल जाएगा। जैसे यहां पे जी एक्स को मैं टी मान लूं, फिर यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं टी, जिसका डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करने से आपको क्या मिल जाता, ये मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट रख कर दोगे और ये क्या हो जाएगा आपके पास dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। तीसरा रहता है बाई पार्ट मेथड, जिसको डिस्कस करेंगे हम। अगर इन दोनों से नहीं हो रहा तो फंक्शन को हम फर्स्ट और सेकेंड की फॉर्म में लिख के उसको इंटीग्रेट कर देंगे। और नेक्स्ट मेथड रहता वो स्पेशली किसके लिए रहता, अगर हमारे पास रेशनल फंक्शन हो। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं आपके पास, p बाई q की फॉर्म में, पॉलिनोमियल p और q, ठीक है, और वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो इन सबको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में ही। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन को देखता हूं तो मेरे पास दे रखा इंटीग्रेशन cos रूट एक्स डी एक्स, डायरेक्ट मुझे पता नहीं है। अब अगर मैं यहां पे रूट एक्स को या इस तरीके से मैं बात करूं, एक्स को मैं टी स्क्वायर मान लूं, ठीक है, तो डी एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, 2t dt। अब यहां इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स की वैल्यू कितनी मानी हम, एक्स की वैल्यू कितनी मानी हमने, टी स्क्वायर, तो रूट एक्स कितना मिल जाएगा आपको, टी, और यहां पे आपको 2t dt आ जाएगा। 2 कॉमन होके टी डॉट कॉस टी डी टी बन जाएगा। अब यहां पे ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन रहा। अब फर्स्ट और सेकंड मानेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड में प्रेफरेंस किस तरीके से रहती है आपके पास, ये आपने सुना होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं ये एक बेसिक रूल बना रखा, ठीक है, हेल्प के लिए। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि कोई स्पेशली इसी से ही होगा, लेकिन एक जनरल रूल बना रखा। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस इस तरीके से देनी है आपने, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, फिफ्थ इसको, इस तरीके से प्रेफरेंस। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको फर्स्ट मानना, लॉगरिथमिक फंक्शन ना और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है बाकी ये है तो लॉगरिथमिक वो फर्स्ट, एल्जेब्रिक है ये दो नहीं है और बाकी ये तीन है तो एल्जेब्रिक को मानना, इसका मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन इत्री, ठीक है। अगर ये दो है ये नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट और ये सेकंड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में। तो अगर यहां पे देखें तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है मेरे पास, तो एल्जेब्रिक को क्या माना जाता है, फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा यहां पे तो 2 ये है फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, कॉस टी dt माइनस होल का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी टी, टी फर्स्ट ये है हमारा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कॉस टी डी टी होल डी टी, ये हो जाएगा अपना। अब अगर मैं इसको करूं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2t कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता साइन टी, ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1
और cos t का इंटीग्रेशन कितना होता है sin t, ये हो जाएगा अपना प्लस सी, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लगा देंगे और ये आंसर आ जाएगा 2t sin t माइनस sin t का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos t, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा cos t प्लस सी। तो यहां पे वापस वो रख देंगे ठीक है, रूट एक्स की जगह वापस वैल्यू रख देंगे, टी की जगह वापस वैल्यू रख देंगे किसकी, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट एक्स, तो रूट एक्स साइन रूट एक्स ठीक है प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में ये है वो आंसर हो जाएगा। तो यहां से कितना बन जाएगा अपना आंसर, टू रूट साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स ठीक है। तो ये भी वैसे ही है कुछ, यहां पे क्या डायरेक्ट हमको पता नहीं, सब्स्टिट्यूशन से जाएंगे, रूट एक्स को हम क्या कर देंगे टी मान लेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टू एक्स टू दी पावर 1 अपॉन टू माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन टू एक्स टू दी पावर माइनस 1 बाई टू डी टी डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहां से हमको मिलेगा ये 1 अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये नीचे लेके आएंगे स्क्वायर रूट कर देंगे और ये 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 डी टी ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां पे देखिए साइन रूट एक्स की जगह हम क्या रख देंगे टी डिवाइडेड बाई, ये देख रहे हो 1 अपॉन डी एक्स, रूट डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी टी, और यहां से आपके पास मिल जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या हो जाता माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस टी की जगह क्या रख देंगे अपना दिस रूट एक्स प्लस सी, और यहां पे ये टू भी है, ये टू भी था तो ये टू भी बाहर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अपना बी। तीसरा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें देखें तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस 1, अगर मैं ये देखूं e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx, अब यहां पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से और इसको देख के भी कर सकते हैं। देखिए जरा पहला ऑप्शन क्या, log e टू द पावर x प्लस 1 प्लस c, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b कितना होता, ये रहता 1 अपॉन a log ax प्लस b ठीक है, बेसिकली यहां से आता 1 अपॉन x इक्वल टू क्या होता है log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो यहां से अगर log में आना चाहता है ये इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x प्लस 1 को आपको क्या मानना पड़ेगा एक वेरिएबल, मतलब अगर e टू द पावर x प्लस 1 को अगर मैं एक वेरिएबल u मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस 0 डी एक्स इक्वल टू डी यू, ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, यहां पे ये न्यूमरेटर में है नहीं। सेम इसके लिए अगर ये इस फॉर्म में आना चाहता तो e टू द पावर x माइनस 1 को t मानना पड़ेगा और उसका डिफरेंशिएशन वहीं पे होना चाहिए, तभी तो सिर्फ इतना आंसर आएगा। अब अगर तीसरे ऑप्शन को देखते हैं आप, तीसरे ऑप्शन में जो आंसर में दे रहा आपके पास वो क्या है, वो कुछ इस तरीके से e टू द पावर x बाई 2 ये आंसर में, तो इसके लिए क्या करना आपने, यहां देखिए e टू द पावर x बाई 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर से, तो ये एक है तो एक का हाफ हो जाएगा x बाई 2, और यहां पे नहीं था तो माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x बाई 2 डिवाइडेड बाई, नीचे से भी e टू द पावर x बाई 2 कॉमन ले लीजिए और ये कितना हो जाएगा आपके पास e टू द पावर x बाई 2 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x बाई 2 dx, ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा
ए टू दी पावर एक्स बाई टू माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एक्स बाई टू प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर जो है आपका ए टू दी पावर एक्स बाई टू प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू, इसको मान लीजिए टी। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, अगर e टू दी पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन करते हम तो ये कितना आता आपके पास, a e टू दी पावर ए एक्स जो कांस्टेंट होता है x के साथ वो बाहर आ जाता, बाकी सेम रहता। तो इसके इंटीग्रेशन जब होगा, इसमें कांस्टेंट क्या 1 बाई टू है, तो 1 बाई टू ई टू दी पावर एक्स बाई टू और इसके पास क्या है कॉन्स्टेंट माइनस 1 बाई टू, तो माइनस 1 बाई टू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू बाहर डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये 1 बाई टू कॉमन होके उस तरफ चले जाएगा। तो जो हमारे पास ये इंटीग्रेशन बन क्या था, इसकी जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, इस 2 को इस 2 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये बन जाता है 2 dt और डिनोमिनेटर में क्या है t है, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 2 log t प्लस c और ये बन जाता है 2 log t, क्या माना था हमने e टू दी पावर x बाई टू प्लस e टू दी पावर माइनस x बाई टू प्लस c, ये अपना आंसर हो जाएगा c, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास x tan इनवर्स x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमको साफ साफ दिख रहा x tan इनवर्स x dx में दो फंक्शन है, एक ही है एक ही है। अब इनमें से फर्स्ट किसको मानना, सेकंड किसको मानना, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा हमेशा उसकी प्रेफरेंस क्या रहेगी, फर्स्ट, ठीक है, बाकी सेकंड, तो इसको फर्स्ट मानिए इसको सेकंड। तो फॉर्मूला क्या रहता, इंटीग्रेशन ऑफ बेसिकली फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल का इंटीग्रेशन, जहां पे पहले का डिफरेंशिएशन हो रहा और दूसरे का इंटीग्रेशन हो रहा, फिर आपने पूरे का इंटीग्रेशन कर देना। यहां से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, ये रहता। तो यहां पावर एक है तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता वो रहता वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई टू और ये बन जाएगा डी एक्स। तो यहां से वन बाई टू कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको देखिए एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है, बेसिकली ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो जब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता। अगर मेरे पास पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल है, तो प्रॉपर कब होती है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन ये तब होगा जब डिनोमिनेटर की जो डिग्री होगी वो न्यूमरेटर से बड़ी होगी, डिग्री ऑफ पी, तब ये प्रॉपर बनेगा, अदरवाइज ये इम्प्रॉपर रहेगा। अभी दो दो दोनों की है तो इस समय या तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए और पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आप क्या करिए, हम देख पा रहे हैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन कर पाए हम और माइनस वन कर पाए, प्लस वन और माइनस वन ऐड कर दिया और पहले इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन को ले गए फिर इसके नीचे एक्स स्क्वायर को लेके गए डी एक्स, यहां से मुझे क्या मिलेगा वन बाई टू टेन, अगर इसको मैं क्या रखता हूं इसको रहने देता हूं, इसका इंटीग्रेशन करता हूं लास्ट में वैल्यू रख देंगे इसकी सीधे, ये क्या हो जाएगा अपना यहां पे बन जाएगा ये, इसका जब सिर्फ इतने का इंटीग्रेशन करता हूं मैं इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका ये बनेगा वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन होगा एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना
टेन इनवर्स एक्स, क्लियर है। अब इसको इसके साथ रख दीजिए, वन बाई टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस, और ये बन जाएगा अपने पास, इसकी जगह हम ये पूरा रख रहे हैं, तो एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर यहां पे ये मिल रहा, अगर हम देखें तो ये आंसर इसके जैसे मिल रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम, ये है हमारे पास क्वेश्चन पांचवा, इसमें क्या दे रखा, वन माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो ये न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल, दोनों की डिग्री यहां पे बराबर है, तो बेसिकली ये एक रेशनल फंक्शन तो है लेकिन इम्प्रॉपर है, तो पार्शियल फ्रैक्शन अभी लगाएंगे नहीं, उसके लिए बनाना पड़ेगा। तो उसमें क्या करिए आप, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसको ओपन कर दीजिए और नीचे बन जाएगा वन प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। न्यूमरेटर को ओपन कर दिया, डिनोमिनेटर को रहने दिया, तो ये क्या बन जाएगा अपना, यहां पे देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां क्या करिए टू एक्स का एड करिए, टू एक्स को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस टू एक्स पहले से है, वन प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, वो क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और यहाँ पे मुझे इतना मिल रहा, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना पाऊं ऊपर तो मेरा आधा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मैं इसके ये लेके आऊंगा, ठीक है, और इसको अलग कर दूंगा, बाकी जो ये बचा माइनस फोर इंटीग्रेशन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कर दूंगा मैं, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ये dx tx, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से ये बन जाता इंटीग्रेशन ऑफ दिस x, ये आ जाएगा आपके पास x, इसका इंटीग्रेशन माइनस फोर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करना, अगेन क्योंकि यहां पे ये इस फॉर्म में है, या तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन वाला यूज करो या प्लस वन और माइनस वन कर दीजिए ऊपर और नीचे, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, ये बन जाएगा अपना क्या, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और ये बन जाएगा वन प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। इसमें मैंने प्लस वन और माइनस वन एड किया, जो प्लस वन था वो इसके साथ रखा और माइनस वन उस तरफ कर दिया। अब ये इसके बाद किस तरीके से होगा, यहां पे एक्स माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच रहा, एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स, और ये बन रहा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स का माइनस टू डी एक्स, ये हो रहा, ठीक है। इसका आंसर आएगा एक्स माइनस वन अपॉन, अगर मैंने पहले बताया वन अपॉन ए प्लस एक्स अगर है तो इसका आंसर होता लॉग ए प्लस एक्स, क्योंकि यहां एक्स का कॉफिशियंट क्या वन, तो डिनोमिनेटर में एक्स का कॉफिशियंट आना था सब्सटीट्यूशन से, तो ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स, ये बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन ये भी क्या आपके पास वन प्लस एक्स है, वन प्लस एक्स को टी मान सकते हैं, फिर वही आएगा, जब तक इसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा और इसका कॉफिशियंट आपके पास यूनिटी है तब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे वो बताइए माइनस वन प्लस एक्स टू दी पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो ये बन जाता फाइनल आंसर एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स माइनस, ये माइनस वन होगा ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वन होगा तो नीचे आ जाएगा वन प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन, तो एक फोर भी रहेगा अपना, ये फोर नहीं छोड़ना, ये वाला फोर जो कि हमारे पास यहाँ रह गया था, ये फोर भी होगा यहाँ पे फोर दस, ठीक है। तो ये आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा पांचवे का।
बी एक्स माइनस सॉरी एक मिनट एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस वन प्लस दिस, ये ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये माइनस ना छूट जाए कहीं से, ये -4 और ये माइनस यहां पे जाएगा आपके पास, माइनस माइनस के इसको प्लस कर देगा, फिर ये माइनस में रहेगा भैया, इसका आंसर ये माइनस में रहेगा। ठीक है तो कैलकुलेशन में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका आंसर बदल जाएगा, बेसिकली ए नहीं रहेगा, ये ए नहीं है, इसका आंसर है सी। ठीक है ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास सिक्स, ये 10x/sec x + 10x। ठीक है जब हमारे पास इस तरीके का 10x/sec x + 10x dx ये है, तो इसमें क्या करना, 10x को आप कन्वर्ट कर दीजिए sin x/cos x में, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1/cos x, और नेक्स्ट हो जाएगा sin x/cos x 10x होता। ठीक है इसका एलसीएम लोगे तो cos x आएगा, cos x से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल बचेगा sin x/1 + sin x, ये रह जाएगा अपने पास। ठीक है तो इसके बाद क्या करना आपने, ये देख लीजिए ये बचता, तो अब आपके पास क्या करना, नीचे देख रहे हैं आप 1 + sin x है, अगर मैं ऊपर भी 1 + sin x बना पाऊं तो मेरा काम हो जाएगा, तो sin x + 1 कर दूंगा मैं, -1 कर दूंगा, +1 के साथ पहले डिनोमिनेटर पूरा लेके आऊंगा और फिर 1 के साथ पूरा डिनोमिनेटर लेके आऊंगा, ये बन जाएगा मेरे पास, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन दिस भी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा अपना 1 dx - ∫(1/1 + sin x). ठीक है ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना, dx इसका तो 1 x आ जाएगा कांस्टेंट का। ठीक है अब यहां पे इंटीग्रेशन इसके बाद कैसे करोगे वो देखना पड़ेगा आपने, यहां पे क्या करना आपने, इसका रेशनलाइज कर दीजिए जरा, 1 - sin x से न्यूमरेटर में और 1 + sin x 1 - sin x से डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है तो ये कितना बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा x - ∫(1 - sin x), और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 - sin²x dx। ठीक है तो ये बन जाएगा अपना x - ∫(, डिनोमिनेटर में cos बन जाएगा, क्योंकि क्या होता 1 - sin²x = cos²x, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos²x। ठीक है dx अब ये बन जाएगा आपके पास x - ∫(1/cos²x), अलग अलग कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा sec²x - sin x/cos x, तो कितना हो जाएगा sec x, मतलब sin/cos रखूंगा मैं, एक बेसिकली पूरा ही लिख लेता हूं मैं यहां पे, ये हो जाएगा आपके पास sin x/cos x.(1/cos x), इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं इसको, ये हो जाएगा। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो x - sec²x का कितना हो जाएगा, sec²x का इंटीग्रेशन होगा अपना 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता sec²x, ये बन जाता 10x, ये बन जाता आपका sec x, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx, ये बनेगा, तो ये आएगा x - 10x sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये होता sec x, sec x का जब डिफरेंशिएशन करोगे वो आता sec x 10x, तो कितना हो जाएगा प्लस sec x।
सी ये आंसर है। तो एक्स माइनस टेन एक्स अगर आप देखो तो सी ऑप्शन में, एक्स प्लस सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहां पे देखना जरा इसको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर डीएक्स, ये है अपने पास। अब यहां पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है नीचे, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर है, ठीक है। अगर ये पॉलिनोम उसके फॉर्म में देखा जाए, रेशनल फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे तो चार रूट मिलेंगे, मैक्सिमम चार रूट होंगे इसके पास। तो यहां पे क्या करिए ना, कुछ कैंसिल करने की कोशिश करिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर टू, और एक्स की पावर टू कितना हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। अब यहां पे आपको क्या करना होगा, अपने डी एक्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डी एक्स को कैसे चेंज कर सकता हूं मैं, इसको देखिए जरा, ये क्या वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ इसका दिखाऊं आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो वन अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स पहले ऊपर आएगा नेगेटिव साइन में, पावर में एक्स की पावर माइनस वन, डिफरेंशिएशन करोगे ये, इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर माइनस वन ये हो जाएगा माइनस वन, आगे आ जाएगा एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा बेसिकली माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल रहा, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि आपको रिक्वायर था। तो अब एक काम और कर दीजिए, डिनोमिनेटर में अगर ऐसा कोई फंक्शन मिले जिसका डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर मैं एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर करता हूं ना तो कितना आता, चेक करिए जरा, ये बनता हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू वन अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बनता एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब ये डिनोमिनेटर के जैसे बन रहा हमारा, ये इसके जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अप प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस वन है और यहाँ माइनस टू है। इस माइनस टू को प्लस वन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पर प्लस थ्री से क्या करना पड़ेगा एड, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे हम इसको, अगर मैं प्लस थ्री से यहां पे ऐड कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा टोटल, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस वन, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जगह मैं इसको यूज कर सकता हूं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो जाता है, फिर अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड देखूं, इंटीग्रेशन ये था हमारे पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन वहां प्लस क्या कर दिया था हमने, थ्री ऐड कर दिया था, प्लस थ्री लिख सकता हूं मैं इसको। अब ये देखिए जरा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी रखिए, ठीक है, डी एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस थ्री, थ्री को हम क्या लिख सकते हैं रूट थ्री का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन जाता है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता। और इसका आंसर क्या होता, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए कितना है यहां पे रूट थ्री, एक्स कितना है यहां पे टी, तो आंसर कितना हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन ए टेन इनवर्स टी, टी की जगह क्या रख देंगे हम जो हमने सब्सिट्यूट किया था, ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय रूट थ्री ए, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये बनेगा वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स
एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका एलसीएम ले लिया और ये नीचे रूट थ्री के साथ आएगा प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में ये है वो उसका आंसर हो जाएगा, वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। वो देखिए जरा कहां पे है, ये है अपने पास वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स, ये है अपना आंसर वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आठवां क्वेश्चन ये है। आठवें क्वेश्चन में क्या दे रखा, ये पहले इसको अलग अलग करिए, अलग अलग किस तरीके से, साइन फोर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा अपना। इससे ये कैंसिल हो रहा, इससे ये कैंसिल हो रहा, तो ये क्या बनेगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये साइन स्क्वायर बचेगा, ये कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस, ये क्या होगा अपना कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ये दो कट गए दो बचे, तो क्या बच जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता होता, मतलब याद नहीं होता डायरेक्ट क्या होता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी का यूज करते हैं, वन ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपने पास क्या रहता था सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मैं क्या टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकता हूं मैं वन प्लस, बेसिकली ये आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इसकी जगह, और ये जो होता ये रहता वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो वो भी क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस वन से माइनस वन ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस टू डी एक्स। अब sec स्क्वायर का हमको पता रहता इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर का क्या होता sec स्क्वायर का रहता 10 x, ठीक है sec स्क्वायर का क्या रहता 10 x, और cosec स्क्वायर का क्या रहता माइनस cot x, माइनस cot x माइनस 2 का क्या हो जाएगा 2x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो 10x माइनस cot x माइनस टू एक्स प्लस सी, ये आठवें का आंसर है। ठीक है, इसमें देख सकता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या होगा, ये अपना क्वेश्चन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन से भी आइडिया लग जाता है आपके पास किस तरीके से बनने वाला। अगर आप इसको देखो तो ये फॉर्मूला होता, ये किसका फॉर्मूला रहता है आपका लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, जब हमारे पास क्या रहता इस तरीके से वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब हमारा ये क्या बन जाता इस फॉर्म के आंसर आते जब इनका इंटीग्रेशन करते। तो उसी के लिए सॉल्व करते, यहां पे हमारे पास क्या है एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस वन डी एक्स, तो सब में एक्स स्क्वायर है देख रहे आप, इसका मतलब है हमको क्या करना चाहिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लेना चाहिए। एक्स स्क्वायर टी को जब इसको सॉल्व कर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यह आ जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होगा वन अपॉन टू डी टी, और ये बनेगा अपने पास इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की वैल्यू वन बाई टू आगे रखिए डी टी अपॉन टी स्क्वायर। यहां पे x की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जब हमारे पास ये रहता ये वाला फॉर्मूला टी स्क्वायर माइनस 1, बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या हो जाता आपके पास 1 अपॉन 2 ए लॉग
ये बन जाता अपना x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, वन अपॉन टू लॉग, ये उस फॉर्मेट का, तो ये हो जाएगा t माइनस वन अपॉन टी प्लस वन प्लस सी। टी की जगह वापस एक्स स्क्वायर रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और आंसर कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये आंसर इसको हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा इस तरीके से। नेक्स्ट देखते, अच्छा एक वन अपॉन टू पहले से भी बाहर है, यहां पे एक वन अपॉन टू ये भी तो है, वन अपॉन टू कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या रहता है, वन अपॉन टू ए, ए की वैल्यू वन है, तो वन अपॉन फोर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इसका आंसर होगा, थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म में हो तो रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज किस तरीके से करेंगे, ए प्लस एक्स डिनोमिनेटर का साइन क्या है, ए माइनस एक्स, तो इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हो जाएगा डी एक्स, इस तरीके से करेंगे। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये देख रहे हो आप, स्क्वायर बन जाएगा ए प्लस एक्स का, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस एक्स आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अलग अलग कर दूंगा मैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर रूट भी है ऊपर, तो स्क्वायर की वजह से हटा दिया हमने, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, ये बन रहा है a अपॉन अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता a साइन इनवर्स x अपॉन a का। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता ये रहता साइन इनवर्स x अपॉन a, जो भी यहां पे होगा उसको डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, और बाकी बचा हमारे पास इंटीग्रेशन x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब इसमें देखिए आप, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जब डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो मुझे ये ऊपर वाला मिल जाएगा, कैसे देखो, जब मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करूंगा तो ये कितना मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन करने पे कांस्टेंट है तो जीरो माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस डी टी हो जाएगा। अब इसके इंटीग्रेशन जब हम करने जाएंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स डी एक्स की जगह रखूंगा मैं माइनस वन बाई टू डी टी, इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई, इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा मैं, टी रूट टी। इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो ये बनेगा माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस एक बटे दो, और ये हो जाएगा डी टी माइनस वन बाई टू t की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन, ये कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू और t की पावर वन बाई टू और डिवाइडेड बाई वन बाई टू। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे a साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस साइन है उसके पास, ठीक है, t के पावर वन बाई टू यानी कि रूट टी, टी रखा हमने ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो अपना जो आंसर रहेगा वो कितना होगा, ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस दिस, ये आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेवेंथ, ये ठीक है, इस क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहां पे क्या करना आपने, x प्लस वन एक्स प्लस लॉग एक्स, जहां पे भी लॉग दिखे वहां पे आप उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, खासकर अगर x है, तो जैसे इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, x प्लस लॉग एक्स को t पुट कर देता हूं। ठीक है,
एक्स प्लस लॉग एक्स को क्या कर देते हम यहाँ टी पुट कर देते, तो यह आता वन प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा अपना, और यहां से ये क्या आ जाएगा डी टी, क्लियर है। तो ये बन जाता आपके पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, जो कि यहां दिख रहा है आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और ये डी एक्स, ये इस पूरे की जगह तो डी टी आ गया, और एक्स प्लस लॉग एक्स की जगह क्या रखा आपने टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसका आंसर क्या बनेगा टी का स्क्वायर, मतलब एक पावर बढ़ जाएगी डिनोमिनेटर में टू प्लस वन प्लस सी, और टी वापस रख दीजिए, टी क्या है एक्स प्लस लॉग एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा वन अपॉन थ्री एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर थ्री, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक प्रॉपर्टी रहती जब भी e टू दी पावर x के साथ प्रोडक्ट में कुछ हो, तो एक प्रॉपर्टी रहती है हमारे पास e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू, हमेशा आंसर होगा e टू दी पावर x f ऑफ x। अगर e टू दी पावर x के साथ प्रोडक्ट में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव का सम हो रहा होगा तो आंसर आपका ये हो जाता, ये फर्स्ट एंड सेकेंड से आता, ये रिजल्ट है सबको पता भी होगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो जरा, यहां पे जब मैं इसको करता हूं सॉल्व, तो ये e टू दी पावर x को मैं अलग रख लेता हूं, और ये x प्लस वन है डिनोमिनेटर में, x प्लस टू है स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में x प्लस वन है डिनोमिनेटर में x प्लस टू है, तो मुझे क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर में एक वन एड करना चाहिए एक माइनस करना चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में x प्लस टू का स्क्वायर आ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में भी x प्लस टू का स्क्वायर आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब जो ये वन प्लस वन है ये कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, मैं इसको यहीं पे कर लूं, अगर मैं ये वन प्लस वन को ऐड कर दूं तो ये बन जाता टू, इससे ये कैंसिल हो जाता, तो यहां से ये बन जा इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, और ये आता अपने पास वन अपॉन एक्स प्लस टू, क्लियर है, और ये बनता माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर दिस डी एक्स। अब एक चीज देखो जरा, इसमें जब हम डी बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स प्लस टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमको मिलता माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ये वैसे ही तो जैसे वन अपॉन एक्स होता, क्योंकि तो कॉन्स्टेंट है कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, तो ये आ जाएगा। तो ये मेरा फंक्शन हो गया और ये उसका डेरिवेटिव हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से e टू द पावर x अपॉन x प्लस टू प्लस सी, e टू द पावर x के साथ क्या लेना फंक्शन, जिसका डिफरेंशिएशन करके आपको क्या मिल रहा होगा दूसरा फंक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन x प्लस टू, तो 12 का आंसर हो जाएगा हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 13, ये क्वेश्चन है ठीक है, केवीएस में भी आया था ये, इस तरीके का क्वेश्चन दिखे रहा, यहां पे क्या दे रखा आपके पास cos x plus x sin x, डिनोमिनेटर में क्या x x plus cos x, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये x plus cos x है, ऊपर cos x है सिर्फ, आपको क्या करना cos x plus x बनाना, उसके लिए x ऐड करना पड़ेगा न्यूमरेटर में और x को माइनस करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, बाकी जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए, ये हो जाएगा क्लियर है। अब इसको अलग अलग करिए, इंटीग्रेशन cos x plus x अपॉन x x plus cos x, ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें और ये नेगेटिव हो जाएगा फिर, ठीक है। तो और ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन x माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपको बचेगा वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस, यहां पे भी जो ये x है इसको कॉमन ले लो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपको जो बचेगा ये बचेगा वन माइनस साइन एक्स
अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये रहेगा अपने पास। तो ये तो लॉग एक्स हो जाता, ठीक है, ये हो जाता आपके पास लॉग एक्स। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर देखो जरा, एक्स प्लस लॉग एक्स को आप एक वेरिएबल यू रख दीजिए। डिफरेंशिएशन जब एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स, ये रहेगा आपके पास एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो ये बनेगा वन माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, साइन एक्स, और यहां डेरिवेटिव डी एक्स और डी यू, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या लिखोगे आप इसकी जगह, ये तो लॉग एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन यू डी यू, ये हो जाएगा। और ये आ जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग यू प्लस सी, और ये बन जाएगा लॉग एक्स अपॉन यू, और यही है लॉग एक्स। यू की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपके पास प्लस सी, और ये आंसर क्या बन जाएगा, बी लॉग मॉड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये इंटीग्रेशन लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह लॉग एक्स है, तो क्या करिए लॉग एक्स को टी मान लीजिए। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई टू द पावर टी, देखते क्या बनता। तो इसमें क्या करना आपने, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स डी टी, और एक्स की वैल्यू ई टू द पावर टी डी टी हो जाएगा। अब इसमें क्या करना आपने, ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, लॉग एक्स की वैल्यू रखी थी हमने टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहां पे, ई की पावर टी डी टी, इसी को कैसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर टी। अब ये देख लीजिए, जब भी ई टू द पावर टी होता, यानी कि ई टू द पावर एक्स फंक्शन होता हमारे पास, तब हमको उस फॉर्मूले के बारे में सोचना चाहिए जो पीछे पढ़ा हमने, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव। तो यहां पे देखो टी अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर है। अब यहां पे क्या करिए, प्लस वन माइनस वन कर दीजिए सीधे ऊपर और नीचे, और ये कितना हो जाएगा अपना डी टी, ये आएगा अपना देखिए e टू द पावर टी इंटीग्रेशन टी प्लस वन कर दूंगा मैं अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैसे ही बनेगा जैसे क्वेश्चन हमारा वो बना हुआ था, e टू द पावर टी वन अपॉन वन प्लस टी माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। अब इसका डेरिवेटिव जो है ना ये होता, ये हमने पीछे क्वेश्चन में भी देखा, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर टी अपॉन वन प्लस टी प्लस सी। e टू द पावर टी कितनी, e टू द पावर टी का मतलब क्या, x अपॉन वन प्लस टी का मतलब क्या है, log x, ये इसका आंसर हो जाएगा x अपॉन वन प्लस log x। तो 14 का आंसर कितना हो जाएगा, a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज कितना रहेगा, ठीक है। यहां पर देखिए हमको गिवन है ये, इसको देखिए सीधे, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, जी एक्स को अंदर लगा दीजिए, जी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स एफ डैश एक्स, दोनों को इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए डीएक्स डीएक्स, ये हो जाएगा। अब इसमें बाई पार्ट लगाइए, और बाई पार्ट में एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, एक इंटीग्रेशन होता, यहां पे फंक्शन एफ का डिफरेंशिएशन हो रखा, तो यहां पे भी कोशिश करिए कि फंक्शन एफ का डिफरेंशिएशन हो। बाई पार्ट में जिसका डिफरेंशिएशन होता उसको फर्स्ट मानते और दूसरे को सेकंड मानते, ऐसा हम करते। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या माना हमने एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स होल का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा अपना। अब इसको देखिए जरा, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स क्या दे रखा, जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या दे रखा जी एक्स, यानी कि जी एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स ही दे रखा, और प्लस ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या बच जाएगा, ये प्लस कॉन्स्टेंट लगा दो, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस सी, 15 का आंसर कितना हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो तो इसमें टाइम ज्यादा लगता सॉल्व करने के लिए, कोशिश रहेगी हमारी छोटी सी वीडियो बने लेकिन क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉसेक एक्स डी एक्स, जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो किस तरीके से सॉल्व करना, यहां पे देखिए इंटीग्रेशन सब में साइन दिख रहा आपको साइन, तो साइन में कन्वर्ट करिए इसको, साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा। अब इसको किस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स, दूसरा क्या देख रहे हैं आप, इसका एंगल आंसर में एक्स ही है, अगर एंगल चेंज कर रखा होता यानी कि एक्स वाई टू होता तो हम इधर कुछ फॉर्मूले लगा सकते थे, जैसे 1 के लिए साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, साइन एक्स के लिए 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू एंगल हाफ करके, लेकिन उसने नहीं कर रखा ऐसा, तो हमको इधर ही सॉल्व करना, तो इसको कैसे कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस 1, ठीक है ये है अपने पास, तो यहां पे किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे वो देखिए जरा, साइन एक्स को यहां पे ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, नीचे हम एड और सब्सट्रैक्ट कुछ कर नहीं सकते, तो इसको इसका मतलब हमको कुछ तो यहीं पे करना पड़ेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट करके देखिए, साइन एक्स इक्वल टू टी पुट करते अगर तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाता अपना कॉस एक्स डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज दिस और डी टी, ये बन जाता, ठीक है। अब यहां से कितना मिलेगा अपने पास, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब एक आइडेंटिटी रहती है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका यूज कर सकते हैं हम, देखते हैं करके इसका, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन एक्स की वैल्यू कितनी मानी हमने टी प्लस 1 अपॉन टी, ये हुआ, और अपने पास क्या है ये डी डी एक्स डी टी होगा, ये डी एक्स की जगह क्या है डी एक्स की जगह अपने पास 1 अपॉन कॉस एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन एक्स की जगह मैं टी रख दूंगा और ये हो जाएगा डी टी, देखते अब ये क्या बन जाएगा, आपके पास स्क्वायर रूट है ये आपके पास, तो स्क्वायर रूट एक दूसरे के अंदर चला जाता बेसिकली टी प्लस 1 अपॉन टी 1 माइनस टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी, ठीक है। अब देखते हैं आगे ये कितना बन जाएगा, अब इसको देखिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ ये देख रहे हैं आप 1 माइनस टी का स्क्वायर है और न्यूमरेटर में क्या है टी प्लस 1, तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हम, इसको अलग अलग करके चेक करते हैं, इसको देखते हैं ये क्या हो जाएगा अंडर रूट दिस, अच्छा ये होल स्क्वायर नहीं है, ये होल स्क्वायर नहीं है भाई, ये टी का स्क्वायर है, ये हो जाएगा अपना टी का स्क्वायर, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 1 प्लस
डिवाइडेड बाय टी, वन प्लस टी वन माइनस टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट टी वन माइनस टी, ठीक है, डी टी। और ये बन जाएगा अपने पास, इसको अगर मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा, देखिए जरा, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट टी माइनस टी स्क्वायर टी टी। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसी पॉलिनोमियल है स्क्वायर रूट के अंदर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहेंगे हम, क्योंकि हमारे पास कुछ फॉर्मूले रहते हैं, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट अपना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले रहते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव है तो हमको क्या करना चाहिए, यहां देखिए जरा, वन अपॉन अंडर रूट ये हो जाएगा टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम x प्लस वन का होल स्क्वायर खोलते हैं ना, तो x स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स आता, जो वेरिएबल वाला टर्म होता उसके साथ टू होता, लेकिन यहां पे है नहीं, तो इस t के साथ मैं ऐसे कंसीडर कर सकता हूं टू इंटू वन अपॉन टू। तो वन अपॉन टू के स्क्वायर का मैं यहां पे क्या कर दूंगा, यहां पे हम लिख रहे हैं इसको इस तरीके से, वन अपॉन अंडर रूट टी माइनस टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर, वन अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर, ऐसे कर सकते हैं हम आराम से। अब ये जो बन के आएगा अपने पास वो इस तरीके से होगा कुछ, ये बनेगा यहां पे देखिए, वन अपॉन अंडर रूट वन अपॉन फोर को रखिए बाहर, वन अपॉन फोर को रखिए यहां बाहर, माइनस कॉमन ले लीजिए तो बनेगा टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस वन अपॉन फोर, इसको एक साथ लीजिए ये तीन, ठीक है। वन अपॉन फोर को आगे लाया, माइनस कॉमन ले लिया, ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस टी माइनस, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, टी माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर डी टी, आप देख सकते हैं यहां पे ये बन रहा। अब ये किस फॉर्म का बन गया, इस फॉर्म का, पहली वाली फॉर्म का, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका आंसर कितना होता, इसका आंसर होता साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, कितना टी माइनस वन बाई टू एक्स बाई ए वन अपॉन टू, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे आपने क्या करना, साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है, टी हमने कितना माना था, साइन एक्स, साइन एक्स को टी माना था पीछे, माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू, क्लियर है। अब ये टू का एलसीएम यहां पे ले लोगे तो ये टू आ जाएगा नीचे और ये हो जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स टू साइन एक्स माइनस वन प्लस सी, ये अपना आंसर है। तो साइन इनवर्स टू साइन एक्स माइनस वन, सिक्सटीन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा अच्छी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, 17 क्वेश्चन, वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन दिस। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन हो जहां पे डिनोमिनेटर में एक्स हो और न्यूमिनेटर में लॉग है, तो कोशिश करिए पहले वन प्लस लॉग एक्स को टी पुट करिए, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, डिफरेंशिएशन जब इसका करोगे तो वन का जीरो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये हो जाएगा। तो यहां पे ये सिंपल बन जाएगा, वन प्लस लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है, टी इसका स्क्वायर और डी टी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन थ्री, और ये आंसर हो जाएगा आपके पास, टी की वैल्यू कितनी है, वन प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी,
ये हो जाएगा आपके पास 1/3 वन प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस दिस, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डीएक्स, ठीक है। अब यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डायरेक्ट हमको पता नहीं है कि किसका डेरिवेटिव है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, एक फंक्शन और कंसिडर कर दे, ठीक है, बाई पार्ट से ही होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको फर्स्ट मानते, दूसरे को सेकंड, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। तो यहां से क्या मिलेगा हमको, इसका क्या हो जाएगा, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस डिफरेंशिएशन क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का, ये रहता 1/1 + x² और इसका क्या आ जाएगा आपके पास एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा, तो ये बन रहा। अब देखिए 1 + x² है ऊपर एक्स है, तो 1 + x² को क्या कर दीजिए, टी पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 0, ये 2xdx = dt। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको xdx = 1/2 dt हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको यहां रख दीजिए वापस, x tan इनवर्स x माइनस इसमें रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt और साथ में क्या dt के 1/2 / 2, तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/t का क्या होता है log t प्लस सी, और t की जगह वापस वैल्यू रख दीजिए कितनी, 1 + x², तो आंसर कितना बन जा रहा, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 + x² प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। और ये आंसर क्या, x tan इनवर्स माइनस 1/2 log this, 18वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 19वां दिस, ठीक है, जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो तो उसको एंगल को आप मतलब स्क्वायर को आप हटाने की कोशिश करिए, यहां पे क्या एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो जो साइन स्क्वायर एक्स है ये इसका फॉर्मूला क्या रहता था, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 - cos 2x, ये इसका फॉर्मूला रहता, ठीक है। तो अगर हम यहां पे इसको रख देते हैं 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स 1 - cos 2x dx, इसी को जब ओपन करेंगे तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx, ये बन जाएगा, अलग अलग कर दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूट, ये बनता आपके पास 1/2 x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² / 2 माइनस इस पे लगाएंगे आप फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दो फंक्शन है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक को प्रेफरेंस दी जाती है या एलजेब्रिक को, ठीक है, तो एलजेब्रिक का क्योंकि डिफरेंशिएशन जब करते हैं हम तो वो कांस्टेंट की तरफ जाता, पावर कम होती जाती, और ट्रिग्नोमेट्रिक आपका दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट होता, तो फर्स्ट उसको मानते जो डिफरेंशिएशन होके कांस्टेंट की तरफ जाए, तो फर्स्ट ये सेकंड ये, तो ये हो जाएगा यहां पे फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। अब ये देखिए 1/2 x² / 2 माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स कॉस टू एक्स का क्या होता है, अगर मैं कॉस टू एक्स की बात करूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो a के साथ होता x के साथ होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता, सब्स्टिट्यूट करके आता बेसिकली ये भी, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2x / 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस
इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होगा, वन कॉन्स्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा जो अभी लिखा हमने, साइन टू एक्स अपॉन टू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, अगर मैं लास्ट वाले का सीधा इंटीग्रेशन करूं तो ये बेसिकली ये पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, एक्स स्क्वायर वन बाई टू अंदर जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा एक्स बाई फोर साइन टू एक्स माइनस, साइन का क्या होता प्लस, साइन को होता कॉस, इसका हो जाएगा कॉस टू एक्स, और साइन को होता माइनस कॉस टू एक्स, माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, और एक डिनोमिनेटर में टू ये वाला लग जाएगा, और एक पहले से ये फोर प्लस सी, ये आपका आंसर है इसका। तो ये आंसर क्या, वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। ये देखिए, ये बनाना पड़ेगा यहां से, टू कहीं से कॉमन ले रखा, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस एंड प्लस, इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो ये आंसर आ जाता है, ठीक है। कहीं वन बाई टू देखना पड़ेगा यहाँ पे, ये आपके पास जब इसका इंटीग्रेशन किया तो, हाँ एक टू एक्स पहले, टू पहले ही आया, एक यहां से आएगा, और एक क्या आ जाएगा आपके पास, एक टू ये है, एक टू यहां से आएगा, और एक टू ये बाहर वाला, एट हो जाएगा ये, दिस इज एट, ये हो जाएगा आपके पास। इसमें एक टू तो यहां से आएगा डिनोमिनेटर में, एक टू यहां से डिनोमिनेटर में आएगा, वो हमने वन बाई टू लिखा था शायद, ये वन बाई टू, ठीक है, तो टू टू और टू, एट हो जाएगा ये वाला, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, साइन टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका किस किस तरीके से करना, यहां पे देखिए, साइन टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो साइन टू एक्स है उसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन टू एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब जो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मान लेंगे टी, डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को होता है टू साइन एक्स डिफरेंशिएशन, और फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि वन अपॉन बी स्क्वायर डी टी, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इंटीग्रेशन इस पूरे की जगह आ जाएगा वन अपॉन बी स्क्वायर वन अपॉन इस पूरे की जगह टी डी टी, तो ये बन जाएगा वन अपॉन बी स्क्वायर लॉग टी प्लस सी, और टी रखा हमने क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो वन अपॉन बी स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये है 20 क्वेश्चन की शीट, हो सकता है थोड़ा लंबी बनी हो, और नेक्स्ट शीट एक या दो दिन के अंदर आपके पास आ जाएगी, और ये चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही।